ओ भाई, यहाँ पे पेल्डियस और नेक्रोमस है ब्रो। ब्रो भाई, पेल्डियस और नेक्रोमस है भाई, यहाँ पे लेजेंडरी पेल। ब्रो भाई, मैंने पहली बार भाई, जब से पेल वर्ल्ड खेला है ना, पहली बार इन दोनों को देखा है भाई। जॉर्मनटाइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक अटैक दे रहा है और भाई वो जॉर्मनटाइड की लाइफ आधी कर दी है लिटरली में। देख रहे हो कितने भाई साहब घोड़े भी है हाथ में, इन सब की ये सब भी है, मतलब जो अटैक करने वाला सीन होता है ना वो है। ओ भाई, हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का पैल वर्ल्ड के अनदर गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हम गए थे फाइट लेने भाई लीन नॉक्ट से, और गाइस वहां पे भाई लीन नॉक्ट को भाई हमने जितने भी अपने फायर टाइप पैल्स ले गए थे, हम उनमें से कोई भी फायर टाइप पैल्स की मदद से भाई उससे फाइट नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि ना गाइस लीन नॉक्ट भाई कुछ अलग टाइप की पोकेमोन है, वो भाई इतनी आसानी से हार नहीं रही थी। इस वाले पोकेमोन की मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये बहुत ही खतरनाक पोकेमोन है भाई, ये फायर टाइप पोकेमोन से भी हार नहीं रही थी, जबकि मैंने किंग पाका क्राइस्ट को ही ढेर सारे फायर टाइप पोकेमोन से ही हराया था। तो गाइस, लीन नॉक्ट को हराने का कोई और तरीका सोचना होगा, क्योंकि अपने फायर टाइप पेल्स भी इसके अगेंस्ट में इफेक्टिव नहीं थे। तो गाइस, यहाँ पे मुझे एक काम करना है, मुझे यहाँ पे ढेर सारे रॉक टाइप पोकेमोन चाहिए। तो सबसे पहला पोकेमोन है भाई आनुबिस, और भाई आनुबिस को हराने के लिए ना हमें ढेर सारे पावरफुल ग्रास टाइप पोकेमोन चाहिए। तो गाइस, मैं तो यहाँ पे बहुत सारे मेमोरिश और भाई जितने भी वुम्पो वगैरह जो भी अलग टाइप के ग्रास टाइप पोकेमोन है ना, उनको लेके जाके ट्राई कर चुका हूँ, मगर ना गाइस भाई वो इतना ज्यादा पावरफुल है, हम लोग उसकी ऑलमोस्ट 50% लाइफ हाफ कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा कम नहीं कर पा रहे, उससे पहले ही वो भाई अपन को मारना शुरू कर दे रहा है वो। तो गाइस, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ना, तो गाइस यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ कि अपने जो यहाँ पे वैलेट को हराया ना भाई, ये बहुत ही तगड़ी पोकेमोन है, इसको हमें 2-3 और पोकेमोन पकड़ने होंगे, मतलब इसको 2-3 बार और हराना होगा, ताकि ना गाइस इसकी मदद से हम भाई जो आनुबिस को आसानी से हरा सके, क्योंकि भाई आनुबिस वैलेट से बहुत ही तेजी से डैमेज हो रहा है, और ये 47 लेवल का है ना, इसीलिए गाइस इसको हराने के लिए हमें बहुत ही तगड़े तगड़े पोकेमोन चाहिए। तो यहाँ पे हमें वैलेट को लेके चलते हैं, वैलेट बहुत ही सही काम कर रही है भाई ऐसे आनुबिस को हराने के लिए, एक मेरे पास जो वैलेट है ना वो बहुत सही काम कर रही है। तो गाइस, यहाँ पे जो मेरे पास बीकन है ना, उसको भी हटा के एक और फायर टाइप पेल्स ले लेते हैं, ताकि हम लोग वैलेट को बहुत तेजी से हरा पाए, वो फायर टाइप पेल से बहुत तेजी से वो डैमेज होती है वैलेट, हालांकि वैलेट भी बहुत पावरफुल है, उसको भी हराने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मगर हम लोग उसको हरा लेंगे एट द एंड। तो यहाँ पे बीकन की जगह मैं एक और फायर टाइप पेल रख देता हूँ, और देखता हूँ कि इससे अच्छा कोई और पेल है कि नहीं। तो गाइस, इससे अच्छा हो तो और कोई मुझे फायर टाइप पेल नहीं लग रहा है, एक ये है, ये 36 लेवल का है, ओके, मगर ये ज्यादा अच्छा है, और ये ओके, ये ज्यादा बढ़िया है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे बढ़िया फायर टाइप पेल्स हो चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं दोबारा से वैलेट को हराने, और करीब 2 या 3 और वैलेट हमें और पकड़ने होंगे, ताकि हम लोग ना गाइस आसानी से भाई आनुबिस को हरा सकें, और आनुबिस की मदद से ना भाई बहुत ही तगड़े तगड़े पेल्स को हम लोग हराना स्टार्ट कर लेंगे, अगर आनुबिस अपने पार्टी में आ जाएगा, क्योंकि जो जितने भी आनुबिस अपन के पास है ना अभी तक, वो सभी के सभी भाई क्या नाम है, अंडे से निकले हुए हैं, इसलिए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसका अटैक इतना पावरफुल है, अपने वैन वॉर्म का भाई लाइफ इसने 10% कम भी कर दिया, मगर अपना वैन वॉर्म भी कम नहीं है, उसने भी इसकी 10 HP कम कर दी है, और भाई ये वैनम अटैक कर रही है, इसका वैनम अटैक बहुत ही तगड़ा है, और भाई अपने वैन वॉर्म पे ऑलरेडी हो चुका है इसका वैनम अटैक, और भाई ये नेड कर रही है यहाँ पे, भाई मेरा यार मेरा डिफेंस इसने तोड़ दिया। ऑलराइट, यहाँ पे अपना वैन वॉर्म अटैक कर रहा है अच्छा वाला, इसके बाद निकालेंगे हम लोग सुजाकू नहीं ब्लेज हॉल नॉक्ट को निकालेंगे, जब 50% HP हो जाएगी ना अपने वैन वॉर्म की। ओके गाइस, ये बम फेंक दिए, इसको हटाओ भाई, अब ब्लेज हॉल को लड़ने दो। ओ भाई, मेरे ऊपर वैनम अटैक कर दिया, और भाई यहाँ मेरी HP धीरे धीरे कम हो रही है। ओ भाई साहब, कितना भाई, ये कितना ज्यादा भाई वैनम अटैक कर रही है भाई। ओके गाइस, मगर इसकी HP हमने अच्छी खासी कम कर दी है भाई, उसके वैनम अटैक खत्म ही नहीं हो रहा है भाई मेरे ऊपर से, क्या है ब्रो। ऑलराइट, उसका वैनम अटैक मेरे ऊपर से खत्म हो गया, मगर ब्लेज हॉल यहाँ पे डैमेज हो गया भाई, फिन से कर दिया इसने वेनम अटैक। ऑलराइट, मैं बच गया। ओके भाई, ये तो बहुत तगड़ा मार रही है। ओके, मैंने बॉल्स रखे हैं कि नहीं भाई? ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे बॉल्स रखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे अल्ट्रा स्पेयर रखे हुए हैं, और भाई देख रहे हो ग्रास टाइप वर्सेस फायर टाइप
टाइप की अटैक हो रही है, देख रहे हो। ऑल राइट, यहाँ पे अब वेनवॉर्म का निकालने का टाइम आ गया। वेनम अटैक कर रही है वो। ओके वेनवॉर्म मार बया, मार यार भाई। वेनवॉर्म के ऊपर वेनम अटैक हो गया और उसकी एचपी धीरे धीरे डाउन हो रही है। मेरे ऊपर वेनम अटैक मत कर भाई ब्रो। भाई ये ग्लाइडर के बिना भाई बॉस फाइट करना एकदम नामुमकिन सा ही है, क्योंकि ग्लाइडर बहुत तेजी से भागने में हेल्प करता है। तो ग्लाइडर ऑल टाइम मुझे रखना ही पड़ता है भाई। ग्लाइडर वैसे बहुत सही है उड़ के जाने के लिए। भाई बम फेंक दिया इसने, निकलो भाई, वेनम अटैक कर रही है। सुजाकू की बारी है अब, सुजाकू मारेगा उसे। ऑल राइट सुजाकू, अच्छा भाई कितना वेनम अटैक कर रही है भाई, ये धीरे धीरे मुझे वेनम से ही मार डालेगी पता चला। ओके सुजाकू यहाँ पे उसको अच्छा खासा जला दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं, ऑल राइट गाइस एकदम गॉड लेवल अटैक करता है भाई सुजाकू भी अपना। यहाँ पे भाई वेनवॉर्म को निकालेंगे क्योंकि वेनवॉर्म की हेल्थ अच्छी है। और एक बार बॉल ट्राई करते हैं भाई, चल बेटा बॉल में आ। 21 24%। ऑल राइट ओके, नहीं आई भाई, निकलो भाई। ओके इसकी एचपी और कम होने देते हैं भाई। ये लगातार मेरे ऊपर अटैक कर रही है, ये जान रही है कि मैं मर जाऊंगा तो अल्टीमेटली। ओके यहाँ पे निकालते हैं भाई वेनवॉर्म। ऑल राइट ओके एक बार और ट्राई करते हैं, 10% चांसेस, आजा भाई। ओके भाई बॉल डॉज कर गई मेरा। ऑल राइट ओके ओके अब भाई आप नहीं कर सकते। ऑल राइट ऑल ओके भाई साहब क्या है ब्रो, 30% चांसेस में नहीं आ रही है बॉल में। तेरे को ना ऐसे मारूंगा मैं भाई। बॉल डॉज कर गई ब्रो, इतना महंगा बॉल डॉज कर रही है, तुझे पता भी है भाई? क्या क्या है यार ब्रो, मुझे यहाँ पे। ओके वेनवॉर्म को निकालते हैं भाई। मेरी एचपी देखो ब्रो, तू बॉल में आ भाई, क्या कर रहे है? हेलो ऑल राइट ऑल राइट भाई इसको पकड़ने के चक्कर में भाई मैं 2-3 बार मर जाऊंगा लग रहा है। ऑल राइट गाइस यहाँ पे हमारे पास एक और वैलेट हो चुकी है, यहाँ से निकलते हैं हम लोग। ओके यहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे, कितने टाइम बाद? 1 घंटे बाद रिस्पॉन होगी भाई, तब तक मैं कैसे लड़ूंगा? तो गाइस देखते हैं, फिलहाल हम लोग करते हैं अब दूसरी फाइट करते हैं। आनुबिस को नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे अब एरिया एक्सप्लोर करते हैं और नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये वाला एरिया एक्सप्लोर हमने नहीं किया अभी तक। तो गाइस यहाँ पे हम लोग चलते हैं, हमारे पास फायर टाइप पेल्स है तगड़े वाले। फायर टाइप पेल्स की मदद से ना भाई कहीं पे भी हम लोग जा सकते हैं, ज्यादातर पेल्स फायर टाइप पेल्स से इजीली हार जाते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जो एरिया एक्सप्लोर नहीं किया ना गाइस, उस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे इधर की साइड हम लोग ने एरिया एक्सप्लोर नहीं किया, तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं भाई यहाँ क्या सीन है। और भाई यहाँ पे अपना आर्मर वगैरह डैमेज हो चुका है और सिर्फ एक अल्ट्रा स्पेयर बचा हुआ है हमारे पास। और भाई हमें नए चेक पॉइंट्स भी चाहिए ताकि हम लोग गाइस ताकि हम लोग नए टेक्नोलॉजी पॉइंट्स खोल सकें। और ज्यादा टेक्नोलॉजी पॉइंट्स हम लोग नए तरीके के वेपन्स वगैरह अपने खोल पाएंगे और उसकी मदद से ना गाइस हम लोग ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े बॉस फाइट कर पाएंगे। और गाइस यहाँ पे ये वाले लीफ मंक है मेरे पास। ऑल राइट यूनिवोल्ट का एरिया लग रहा है, यहाँ पे ढेर सारे यूनिवोल्ट है, 17 लेवल के यूनिवोल्ट है सब। तो भाई यूनिवोल्ट को मैं क्या करूंगा पकड़ के, यूनिवोल्ट ऑलरेडी है मेरे पास। ओके यहाँ से फिर ये फायर टाइप एरिया शुरू हो जा रहा है। ऑल राइट ठीक है, यहाँ पे ये यूनिवोल्ट और भाई आरसॉक भी है यहाँ पे, मगर बहुत ही लो लेवल के हैं। आरसॉक्स को नहीं पकड़ना है, सिंडिकेट थग्स है। ओके भाई यहाँ पे बीकन बॉस है ब्रो, ये बीकन बॉस है भाई। ऑल राइट 29 लेवल का है भाई, इसे हम लोग पकड़ सकते हैं, इसको हम लोग अपने हाइपर स्पेयर में भी पकड़ सकते हैं अगर पकड़ना चाहे तो। तो गाइस यहाँ पे इससे फाइट लेने के लिए ना भाई थोड़ा यूनिवोल्ट से दूर हटना होगा, इससे फाइट लेते हैं। आजा बेटे बीकन, भाई बीकन को तो इजिली हरा देंगे भाई, उससे 10 लेवल हम लोग आगे हैं। ले बेटे वेनवॉर्म अटैक कर ब्रो। ऑल राइट वेनवॉर्म ने अटैक करना शुरू कर दिया और बीकन का यहाँ पे 10 HP भाई 1-2 सेकंड में ही डाउन हो गया है। और ये बॉस को हम लोग पकड़ेंगे ना गाइस तो तगड़ा वाला अपना लेवल अप होगा। ऑल राइट यहाँ पे हम लोग बॉल्स को अपने हाथ में ले लेते हैं, स्पेयर को। ओके ये रहा अल्ट्रा स्पेयर। ऑल राइट यहाँ पे 6% चांसेस ऑलरेडी दिखने लगे हैं हमें भाई। वेनवॉर्म की तो भाई 10% HP भी कम नहीं हुई है और यहाँ पे बीकन का हमारा 50% HP ऑलरेडी कम हो चुका है। और बीकन मेरे ऊपर अटैक कर रहा है भाई, वेनवॉर्म क्या कर रहा है तू, इसको अच्छा वाला सबक सिखा भाई। और एक बॉल फेंक के ट्राई करते हैं, चल बीकन भाई 41% चांसेस इजिली भाई। ऑल राइट गाइस यहाँ पे हमारे पास बीकन भी आ चुका है। ओके गाइस यहाँ पे एक एंशिएंट पॉइंट टेक्नोलॉजी हमें मिल चुकी है, बॉस फाइट करने का यही फायदा होता है, एंशिएंट पॉइंट टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे बॉस बीकन को भी हमने पकड़ लिया है बढ़िया वाला। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं दूसरे तरफ जहाँ पे हमने एक्सप्लोर नहीं किया। इस साइड पे क्या है, एक बार नीचे चल के देखते हैं, हो सकता है यूनिवोल्ट वगैरह ही हो। पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया जाए एक बार। ओके वहाँ पे एक डार्क टाइप अंडा है, भाई डार्क टाइप पेल्स तो अपन के पास बहुत बढ़िया बढ़िया हो गए हैं। तो भाई अंडे वगैरह आप क्या हैच करना, ये पेड़ पीला क्यों है ब्रो, एक लौता पेड़ पीला है भाई। ऑल राइट
इसके बाद यहाँ नदी शुरू हो रही है और वहां पे गाइस फिर पायर टाइप एरिया शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो गाइस वहां पे तो हमें नहीं जाना है फिलहाल, फिलहाल हम लोग को इसी एरिया को एक्सप्लोर करना है, तो इस तरफ बढ़ते हैं। ओके, हम फैंगलॉप भी लेकर आए होते ना तो भाई फटाफट हम लोग कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। और भाई ये अपना वैनवर्म थक रहा है। भाई ये लीफ मंक को मैंने पकड़ा है कि नहीं, एक बार देखते हैं। पकड़ा तो होगा मैंने, एक बार रुको भाई, अटैक करते हैं, इसकी एचपी डाउन करते हैं। ओके अभी बताता हूँ बेटा, रुक जा। ओके अब बॉल फेंकते हैं इसके ऊपर, आजा भाई बॉल में। ओके ऑल राइट आ गए बॉल में भाई। ओके तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लीफ मंक को पकड़ा था, तो हमने यहाँ पे एक और लीफ मंक को पकड़ लिया है। अब देखते हैं भाई ये लीफ मंक करते गया है, भाई मैंने कभी चेक नहीं किया ये लीफ मंक करते गया है। और भाई वो सिंडिकेट भाई मेमोरेस्ट दो मेमोरेट से लड़ रहे हैं भाई, दो मेमोरेस्ट से लड़ रहे हैं। ओ भाई साहब, भाई वो देखो भाई सिंडिकेट गनर, देख रहे हो भाई कितना बड़ा गन लेके बैठा है, सिंडिकेट क्रशर है भाई वो तो पूरा का पूरा, देख रहे हो मशीन गन लेके बैठा है। और भाई वहाँ पे उसने सीप को पता नहीं क्यों कैप्चर किया हुआ है। और गाइस यहाँ पे ये मेरे पीछे ग्लाइडर ग्ले क्लॉ पीछे पड़ गया। ओके ब्राउन चेरी भी है इधर, क्योंकि यहाँ पे ब्राउन चेरी के एरिया में आ गए हम लोग लग रहा है। तो भाई यहाँ से निकलते हैं, अब करते हैं हम लोग टेलीपोर्ट। हमने जितना एरिया एक्सप्लोर करना था उतना कर लिया, हमने उस साइड एक्सप्लोर नहीं किया गाइस। एक सेकंड को मैं उधर एक्सप्लोर करना चाहिए था। ऑल राइट गाइस, भाई इस जगह पे तो मैं पहले नहीं आया हूँ ब्रो। भाई इस जगह को मैंने अभी तक क्यों नहीं एक्सप्लोर किया यार। ओके वहां से फिर बर्फीला एरिया शुरू होता है, चलो भाई इधर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके यहाँ पेंगुइन वगैरह हैं बहुत सारे, और एक थाइडियर है, आइस विंड आइलैंड। ओके आइस विंड आइलैंड, आइस की विंड यहाँ पे आती है, वो जो आइस का पहाड़ है ना गाइस वहां से आइस की विंड आती है। और भाई यहाँ पे कुछ आगे चल के देखते हैं भाई, देखो यहाँ पे भाई सफेद सफेद ये क्या है, ये सफेद इमारत कैसे बनी है भाई, ये सफेद पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। ऑल राइट गाइस यहाँ पे गाय वगैरह भी बहुत है और रात भी हो गई इधर ब्रो। और भाई यहाँ डम्मड बॉस है भाई, व्हाट भाई डम्मड मॉस बॉस है यहाँ पे, यहाँ का इसको तो इजीली हम लोग हरा देंगे, आजा भाई ब्रो। हाँ भाई एक बार में वैन बॉम ने उसकी हालत खराब कर दी भाई, इसको तो पकड़ना है भाई, इसको मारो मत, इसको पकड़ना है। ऑल राइट गाइस 14 लेवल का डम्मड यहाँ पे बॉस है भाई, मजे आ गए। ऑल राइट 4 सिविलाइजेशन पार्ट मिले हैं और 4 भाई प्रीशियस एलिमेंट भी मिल गए हमें। चलो गाइस ढेर सारे बॉसेस को हराना है भाई, इतनी इजी बॉसेस को मैंने छोड़ा पड़ा हुआ था मैंने, और भाई एकदम डिफिकल्ट बॉस को मैं हरा रहा हूँ फालतू का। तो गाइस यहाँ पे पहले इजी बॉसेस को हरा के हम लोग अपने टेक्नोलॉजी पॉइंट को बढ़ा लेते हैं। और गाइस यहाँ पे रात हो गया है, हमें टेलीपोर्ट करके अब घर चलना चाहिए। ओके तो यहाँ पे वही कॉमन पैल्स है भाई, ऊपर चढ़ जाए यार, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है ब्रो। एक दो चेक पॉइंट और मिल जाए तो मजा आ जाता, रात हो गई है वैसे यहाँ पे। चलो भाई यहाँ से अपने तीसरे बेस पे डायरेक्ट चलते हैं, तीसरे बेस पे डायरेक्ट उड़ के चलते हैं भाई। ऑल राइट गाइस यहाँ पे फिर से सुबह हो चुकी है और हम लोग चलते हैं फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। फॉरगेटन आइलैंड को हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, जरा इधर भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक राउंड मार लेते हैं भाई फॉरगेटन आइलैंड के पास। ऑल राइट यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है, यहाँ पे कौन कौन से पैल्स हैं, कोई यूनिक पैल्स हैं तो मजा आ जाए। ओके एक काम करते हैं भाई, वैन वॉर्म से चलेंगे ना तो भाई चलते रह जाएंगे। और यहाँ पे भाई एक वो भी है, ये देखो यहाँ पे एक ये भाई इलीगल जो रहता है ना भाई क्रिमिनल एरिया एक्टिविटी डिटेक्टेड वाली एरिया, तो यहाँ पे भी हमें जाना है। देखते हैं भाई यहाँ पे कोई यूनिक पैल्स हमें मिल सकते हैं, तो उसके लिए ना भाई सबसे पहले यहाँ पे करते हैं काम, हम लोग यहाँ पे अपने पार्टी में ले लेते हैं भाई पहले बीकेन को। ओके बीकेन को पार्टी में ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं फैंगलॉप को पार्टी में। फैंगलॉप ये वाली है भाई के, हाँ ये वाली, ये नहीं है दूसरी वाली, हाँ ये है। ऑल राइट तो चलो भाई फॉरगेटन एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, फैंगलॉप को निकालते हैं पहले यहाँ पे भाई। फैंगलॉप आ जा भाई फटाफट एक्सप्लोर करते हैं यार, तगड़ा वाला जम करता है भाई अपना फैंगलॉप। ऑल राइट तो यहाँ पे अभी तक तो हमें नॉर्मली पैल्स दिख रहे हैं। ओके ऑल राइट गाइस यहाँ पे हमें एक और चेक पॉइंट मिल रहा है भाई, इसी के जस्ट ऊपर है। बीकन को निकालते हैं, बीकन की मदद से चलते हैं भाई, हमें चेक पॉइंट्स की बहुत जरूरत है भाई, चेक पॉइंट में ढेर सारे। किधर है भाई चेक पॉइंट? ऑल राइट भाई इधर ही तो शो कर रहा है के। ओके ये रहा भाई चेक पॉइंट्स, हमें चाहिए ढेर सारे चेक पॉइंट्स ताकि ना गाइस हम लोग यहाँ पे नए टेक्नोलॉजी पॉइंट्स खोल सके। ऑल राइट यहाँ पे एक और हमें चेक पॉइंट मिल चुका है, और भाई यहाँ पे एनचेनमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है पैल्स को एनचेनमेंट करने का, उसको छोड़ते भाई। 31 लेवल का मेमोरिस्ट है यहाँ पे भाई, ये तो लामा को मार रहा है। ओके और एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे पेड़ है। ओके फ्रूट्स ले लेते हैं, चलो भाई फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्रूट्स काम आएंगे अपने पैल्स को एनहेंस करने के लिए। नाइस ब्रो, और यहाँ पे कोई बॉस फाइट मिल जाए ना तो मजे आ जाए।
ऑल राइट गाइस, वहाँ पे भी एक और चेक पॉइंट है भाई, बढ़िया। वो देखो सामने एक और चेक पॉइंट मिला हमें, और वहाँ पे बॉस फाइट है, बढ़िया गाइस। ऑल राइट, अब आएगा मजा। ओके, फॉरगेटन आइलैंड। ऑल राइट, एक और हमें यहाँ पे चेक पॉइंट मिल चुका है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग तगड़ा वाला बॉस फाइट। तो भाई इसके अंदर कौन सा पैल है, चलो भाई देखते हैं। इसके अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा। ओके, यहाँ पे 23 लेवल की फैल बैट है, इसको तो हम लोग इजिली हरा देंगे भाई, डार्क टाइप पैल है। ऑल राइट, यहाँ पे बीकन ने उसको ऑलरेडी 5% एचपी डाउन कर दी है उसकी। ओके, डार्क टाइप अटैक कर रही है, मगर अपना रैग्नारॉक उसका भाई हालत खराब कर देगा। डार्क टाइप अटैक भाई, डार्क टाइप पैल्स का वो भाई क्या होता है भाई, कमजोरी क्या होती है भाई, कौन से पैल से ये सब ज्यादा डैमेज होते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी पैल से डैमेज होते हैं। अभी फिलहाल तो भाई कोई भी इफेक्टिव नहीं शो कर रहा है, मगर इसकी एचपी फटाफट लो रही है गाइस। और यहाँ पे ये मेरी एमओ से 27% डाउन हो रही है। तो यहाँ पे भाई हाइपर स्पेयर में तो ऑलरेडी 35% चांसेस दिखाने लगे हैं। पैल बैट तू फटाफट बॉल में आ जा यार। चल भाई गीगा स्पेयर तेरे पर फेंकता हूँ। ओ गीगा स्पेयर भी नहीं आ रही है। ऑल राइट, 27% चांसेस ब्रो, ये तो इजीली आ गई भाई, इसको तो इतना मारना भी नहीं पड़ा भाई, मस्त। पेलबेट भी हमें एक मिल गई भाई, और यहाँ पे हमारा पॉइंट्स बढ़ चुका है। यहाँ पे फिन से निकालते हैं भाई फैंग क्लॉप को, और चलते हैं भाई फिन से एक्सप्लोर करने दूसरी एरिया को इस साइड। और भाई जितना हम लोग एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना हम लोग की पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। ब्रो ये क्या हो रहा है इधर? ओके, यहाँ पे ये है भाई, मर्चेंट है, इससे बात करते हैं क्या है भाई। हाँ भाई सेल करना है मुझे, रुक जा। ओके, ये पेल्स खरीदता है भाई, पेल्स को मुझे सेल नहीं करना है भाई। वैसे कितना देगा भाई ये पेल्स का? ओके अच्छा खासा दे रहा है, मगर पेल्स यहाँ पे मुझे सेल नहीं करना है, तो निकालते हैं, हटो भाई चलो। तो गाइस यहाँ पे ये एरिया भी हमने एक्सप्लोर कर ली, यहाँ से निकलते हैं भाई चलो। ओ ब्रो यहाँ पे एक साइनी पोकेमोन है। ओके इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ने पे पॉइंट्स मिलेंगे हमें तगड़ा वाला। भाई बीकन ने भाई एक बार में ही मार दिया यार इसे ब्रो। अबे एंशिएंट पार्ट्स मिला, चलो कोई बात नहीं, हमने उसे हरा दिया ऑलरेडी, हमें हराना ही था। चलो भाई अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ये एरिया एक्सप्लोर कर लिया, हमें यहाँ पे ये एरिया एक्सप्लोर करना है। और भाई यहाँ पे एस्ट्रोगोन को हमें हराना है। एस्ट्रोगोन को हराने के लिए भाई हमें कौन से पेल्स ही होंगे मेरे ख्याल से ना, एस्ट्रोगोन को हराने के लिए ना भाई फायर टाइप पेल्स को हराने के लिए हमें रॉक टाइप पेल्स चाहिए होंगे, क्योंकि ना गाइस रॉक टाइप पेल्स बहुत ही ज्यादा भाई फायर टाइप के अगेंस्ट में उन सबको कुछ होगा नहीं, क्योंकि फायर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जो रॉक टाइप पेल्स है ना वो ग्रास टाइप पेल से बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको पहले फेलबेट को भी हरा लेते हैं। फेलबेट को नहीं हराया हमने, अरे फेलबेट बोल रहा हूँ भाई, इसको क्या नाम है भाई, फैंगलॉप को निकालते हैं और फटाफट चलते हैं उसको हराने के लिए। चलो भाई इधर है ब्रो, किधर है, इधर है। ऑल राइट इधर आगे बढ़ते हैं। ओके बर्फीली एरिया में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे मस्त वाला ये वाले पेल्स को हराने के लिए, ठीक है। क्या नाम है भाई इसका, ब्लैक्स, 40 लेवल की ब्रो। ओके 40 लेवल की यार, इतना आसान नहीं होगा। ये रहा इधर है, चलो भाई कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे पास दो ही फायर टाइप पेल्स है, बात दिक्कत की ये है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। और भाई फ्लोरिस भाई यहाँ पे ये वाला पेल मुझे अभी तक नहीं मिला भाई कहीं पे भी, ये मुझे मिल जाए ना तो मजा आ जाए भाई। तो भाई पहले तो चलते हैं बॉस फाइट करने के लिए, 40 लेवल का यार, और यहाँ पे हमारे पास एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्ट्रा स्पेयर है। आ जा भाई, अबे इसको डैमेज भी नहीं हो रहा है भाई मेरे गन से। ओके वेनवॉर्म है, अरे रैग्नारॉक इज हाईली इफेक्टिव। ऑल राइट यहाँ पे 5% उसकी लाइफ कम कर दी अपने रैग्नारॉक ने ऑलरेडी, ठीक है भाई। मगर उसके अटैक्स उतने पावरफुल नहीं है अपने रैग्नारॉक के अगेंस्ट में, तो हो सकता है हम लोग यहाँ पे उसे आराम से पकड़ सकते हैं भाई। सिब्लक्स इजीली हमें मिल जाएगी। ओके 50% उसकी लाइफ कम कर दी अपने रैग्नारॉक की। अब यहाँ पे निकालते हैं वेनवॉर्म, और वेनवॉर्म असली वाला मजा चखाएगा उसके लिए बेटे। सिब्लक्स तू तो गई बेटी, इजीली हम लोग इसको हरा देंगे भाई। इसकी लाइफ 20% ऑलरेडी डाउन हो गई है, 25% डाउन हो चुकी है, 50% होने वाली है भाई, 30% 40% हो गया भाई। वो तो जल रही है, लिटरली में जल रही है अपने फायर टाइप पेल्स से। और यहाँ पे गीगा स्पेयर निकाल के रखते हैं, उसको हैबिचुअल बनाना है भाई स्पेयर में आने के लिए। उसके बाद उसके ऊपर अल्ट्रा स्पेयर फेंकेंगे, और लास्ट में पहले हाइपर स्पेयर फेंकेंगे, फिर लास्ट में अल्ट्रा स्पेयर फेंकेंगे उसको पकड़ने के लिए। और भाई ये मुझे बर्फ में जमाना चाह रही है। वेनवॉर्म की लाइफ तो भाई ये 10% ही डाउन कर पाई है अभी तक, और इसकी लाइफ हमने 50% से ज्यादा डाउन कर दिया गाइस। तो गाइस यहाँ पे वेनवॉर्म रैग्नारॉक को भी रेडी
सकते हैं। वेनबम तो अपना फाइट ले ही रहा है, इसको भाई गीगा स्पेयर में पकड़ने कोशिश करेंगे जब इसकी लाइफ 1000 से कम हो जाएगी गाइस। तो गाइस यहाँ पे वेनबम अपना मस्त वाला अटैक कर रहा है, इसका हर एक अटैक भाई तगड़ा है। और देख रहे हो भाई वेनबम इज हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट सिब्लेक्स, तो भाई यहाँ पे पेल्स मैटर करते हैं। और भाई इसके पास डार्क टाइप अटैक भी है भाई सिब्लेक्स के पास। चल बेटे तू बॉल में आने का हैबिट में डाल ले, अब इसको थोड़ा हैबिचुअल बनाते हैं। ये आएगी नहीं बॉल में, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा हैबिचुअल बनाने के लिए इसके ऊपर बॉल ट्राई कर रहे हैं भाई। यहाँ पे गीगा स्पेयर भी मेरे पास बहुत कम बचे पड़े हैं और यहाँ पे ग्लिच में अटक गए हैं सबके सब। ले बेटे यहाँ पे रैग्नाओक को निकालते हैं। रैग्नाओक तू अटैक कर ब्रो। और यहाँ पे मैं बॉल रेडी रखता हूँ, यहाँ पे हाई अल्ट्रा हाइपर स्पेयर रेडी रखते हैं भाई। वो ग्लिच में अटक गई ऊपर के साइड, तू मारना ब्रो। ओके ओके बढ़िया है। चलो भाई इसके ऊपर अब ये ट्राई करते हैं भाई 1.89% बस। ओके और इसकी एचपी डाउन करते हैं हम लोग। वेनबॉम नहीं है, वेनबॉम को ही निकालते हैं, नहीं रैग्नाओक ही रहने देते हैं भाई। उसको कुछ अटैक ही नहीं हो रहा भाई, वेनबॉम को ही निकालना पड़ेगा। वेनबॉम तू मार भाई इसको, पहले एक बार एक बॉल और फेंकते हैं। ले बेटे तू बॉल में आ, तू मुझे क्या डैमेज करेगी भाई। ऑल राइट इसको हमने रिलीज कर दिया फिलहाल के लिए तो। ओके वेनबॉम भाई ये जमाने की कोशिश कर रही है मुझे। वेनबॉम अटैक कर ब्रो, क्या कर रहा है। बस 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 भाई तू बॉल में आ, चुपचाप बॉल में आ जा। चल ऑल राइट 8% चांसेस। ओ भाई साहब अब तो भाई हमें वेनबॉम के ऊपर बैठ के अटैक करना होगा, क्योंकि ना गाइस वो बॉल से बॉल में तो आएगी नहीं। एक बार और अटैक करने के लिए दे देते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे ना वेनबॉम के ऊपर बैठ जाएंगे। ओके बस वेनबॉम के ऊपर बैठ जाते हैं और ऐसे अटैक करते हैं भाई। ले बेटे उधर ही फंसी रहे भाई, अपने पास वो है ना रिंग ऑफ मर्सी, तो भाई वो लो ही नहीं होगी, ठीक है। वो 1 HP के नीचे ही नहीं आएगी भाई। आ जा बॉल में भाई, इतना भी क्या है। चलो भाई ऑल राइट नहीं आ रही है। ले भाई तेरी 1 HP करेंगे ना तब तुझे समझ में आएगा भाई। वो फंसती चली जा रही है जितना ऊपर जा रही है, और ये 1 HP हो गई है ब्रो। 1 HP में तो आ जाओ भाई, ऐसा क्या है भाई 1 HP में नहीं आ पा सकते। ओके 40% चांसेस। ऑल राइट यहाँ पे हमने इसे भी हरा दिया गाइस। चलो भाई ब्रो यहाँ पे 40 लेवल की भाई सिब्लेक्स को भी हमने हरा दिया भाई, बढ़िया वाला। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं हम लोग। ओके ऑल राइट ये मिशन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हराना है सुजाकू को, आनुबिस को और लीन नॉक्ट को भाई ब्रो। और ये पूरा एरिया हमें एक्सप्लोर करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने बहुत सारे बॉसेस को हरा दिया है। ये एस्ट्रोगन और भाई जेट्रागन को हराना है, तो इन सबको हराने के लिए ना भाई ये देख रहे हो ये सब 48 और 50 लेवल के हैं। इन सबको हराने के लिए हमें और ताकत और पैल्सी होंगे, ठीक है, और वो भी रॉक टाइप पैल्सी होंगे। और चलो भाई यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे रखी है इसको ले लेते हैं, यहाँ पे निकालते हैं फैंगलॉप को। फैंगलॉप आ जा भाई, फैंगलॉप वाटर टाइप पहल है ब्रो। ये कौन सा पहल है भाई। ओके मैंने इन सबको पकड़ा है मगर उतना नहीं पकड़ा है, एक बार ट्राई करते हैं। रुको भाई वेनम अटैक करते हैं। ओ भाई मेरा यार डिफेंस इसने तोड़ दिया। छोड़ो भाई उन सबसे क्या लड़ना है भाई, हटो। मैंने ऑलरेडी पकड़ के रखा है उन लोगों को, और वो 26 लेवल के हैं, वो मेरे इतने काम के भी नहीं है। और भाई ये फ्री पैल सैलेंस वालों को तो मैंने हरा दिया है भाई। हैंड ग्रेनेड है भाई ले लो। इन्वेंटरी फुल कैसे हो गई मेरी। चलो ओके यहाँ पे अपना तीसरा बेस भी है, ओके सेकेंड बेस है सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे रिसोर्सेस इन लोग ने कितने इकट्ठे किए हैं इसको ले लेते हैं। यहाँ पे मर्चेंट को बुलाते हैं, एक सेकंड रुको भाई मुझे यहाँ पे सेल करना है। पेंडिंग मर्चेंट आ गया। ओके ओके आई वांट टू सेल ब्रो, आई वांट टू सेल दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है सेल। ये अच्छे खासे पैसे मिल गए। ओके गाइस हम लोग यहाँ पे फिर से आ गए हैं वैलेट के। ओके वैलेट यहाँ पे रिवाइव नहीं हुई है भाई, अभी भी 18 मिनट्स बाकी हैं उसके रिवाइव होने में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर से चलते हैं भाई। आनुबिस को भी हराना है यार, आनुबिस को हराया जाएगा भाई मगर अभी नहीं, यहाँ से चलते हैं ब्रो। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अब काम करते हैं, अपने बेस पे चलते हैं भाई। एस्ट्रोगन को हराना है यार। तो ऑल राइट गाइस अब हम लोग चलने वाले हैं, अब हम लोग चलेंगे भाई सुबह होने दो। ऑल राइट गाइस हम लोग सिब्लेक्स को तो हरा दिया और हम लोग यहाँ पे अपने बेस पे वापस आ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं भाई सुजाकू के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हमने सुजाकू के एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया था। और भाई फायर टाइप पेल्स जो होते हैं ना उनकी कमजोरी होती है वाटर टाइप पेल्स, तो यहाँ पे मैंने जॉर्मुंटाइड, दो फैंगलॉप और एक और वाटर टाइप पेल को अपने पार्टी में ले लिया है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सारे तगड़े पेल्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं सुजाकू के एरिया को, क्योंकि हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया भाई सुजाकू के एरिया को। तो भाई यहाँ पे हमें सबसे पहले इधर ही चलते हैं ब्रो, इधर चल के देखते हैं कौन से नए टाइप के पेल्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ऑल राइट यहाँ पे रॉबिन क्विल ट्रेरा है 40
34 लेवल के डेजी हैं, 31 लेवल के, ओके भाई डायनोसोम लक्स हैं भाई 39 लेवल्स के, ओके यहाँ पे एक गुफा है भाई, चलो भाई गुफा के अंदर चलते हैं। ऑलराइट, हमें यहाँ पे गुफा एक मिल चुकी है भाई सुजाकू के एरिया में, और इस गुफा के अंदर हो सकता है कोई तगड़े वाले टैग टाइप पेल्स हमें मिल सकते हैं। तो गाइस हम लोग गुफा के अंदर आ चुके हैं, और गुफा के अंदर उतनी गर्मी नहीं है और ना ही उतनी ठंड है। ऑलराइट, यहाँ पे प्राइनिन नॉक्ट है भाई, ऑलरेडी है ये मेरे पास, तो मुझे इन्हें नहीं पकड़ना है। यहाँ पे ब्रदर्स ऑफ इंटरनल प्रे है, इनसे मुझे भी फाइट नहीं लेना है। चलो भाई निकलते हैं। ऑलराइट भाई, ये सब बहुत गंदा वाला पीछे पड़ गए हैं मेरे। चलो भाई निकलो यहाँ से। ओके भाई, यही डार्क टाइप पोकेमोन्स हमें सिर्फ दिख रहे हैं, जो हमें फायर टाइप एरिया में दिख रहे थे भाई, वही सारे पोकेमोन्स हैं, और कोई दूसरे पोकेमोन्स तो दिख नहीं रहे। तो यहाँ पे कौन सी बॉस फाइट होनी है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से निकलते हैं भाई। इन सब के पास थोड़ी डार्क टाइप पावर है, क्योंकि ये सब गुफा में रह रहे हैं ना, तो भाई इन सबसे तो फाइट नहीं लेनी है, ये सब ऑलरेडी है अपन के पास। यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट एरिया लग रहा है। चलो भाई इस पे से उतरते हैं, फिर निकालते हैं इसको। अच्छा फैंगलॉप, और इधर देखते हैं शायद इधर बॉस फाइट होगा। ओके ये कौन सा एरिया है भाई, ये हम घूम फिर के उधर ही आ गए क्या? लीजपंग इग्नाइट है यहाँ पे, लीजपंग इग्नाइट है अपन के पास भाई ये ऑलरेडी। चलो भाई निकलो यहाँ से। ओके यहाँ पे ये बॉस फाइट है भाई, ब्लेज हॉल है यहाँ का बॉस, और ये सबसे बड़ा है। इसको और आते हैं भाई, देख रहे हो कितना बड़ा है भाई, और इसकी कमजोरी है अपना फैंगलॉप, क्योंकि भाई वाटर टाइप पेल्स फायर टाइप पेल्स के अगेंस्ट में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं जॉर्मुंटाइड को, और देख रहे हो भाई ये अपने ब्लेज हॉल से भी बड़ा है, और भाई वो उसकी भाई लाइफ लिटरली में खा रहा है अपने ब्लेज हॉल की। और भाई ब्लेज हॉल तो भाई यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गया है मारने को, मगर भाई अपना जॉर्मुंटाइड ना ब्लेज हॉल की हालत खराब कर देगा। इलेक्ट्रिक और वाटर टाइप अटैक से 50% एचपी ऑलरेडी उसकी डैमेज हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे उसको हैबिचुअल बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक एक पैल है हर दोनों बॉल के, तो यहाँ पे पहले हट जाते हैं और जॉर्मुंटाइड को उसकी एचपी लो करने देते हैं, और जब उसकी एचपी एकदम से लो हो जाएगी ना तो फैंगलॉप को निकालेंगे, फैंगलॉप पे बैठ के ना उसकी 1 HP लाइफ कर देंगे, फिर उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। गाइस देख रहे हो भाई लिटरली में भाई उसको धो डाला भाई अपने जॉर्मुंटाइड ने, और बता दे भाई जॉर्मुंटाइड उसकी हालत खराब कर। ओके बस ब्रो बस, अब फैंगलॉप तू आ जा भाई, अब इसको हम लोग 1 HP करते हैं, एसिड अटैक कर। नाइस, ऑल राइट एक ये वाला अटैक करते हैं। ऑल राइट भाई 1 HP हो चुका है। यहाँ पे पहले इसके ऊपर गीगा स्पेयर फेंकते हैं, इसको हैबिचुअल बनाते हैं, इसमें नहीं आया। अब इसके ऊपर हम लोग फेंकते हैं भाई ये कौन सा अल्ट्रा स्पेयर ना, एक और फेंकते हैं। चल बेटे ऑल राइट, अब ये आ जाएगा, इसके बाद नहीं आएगा ना। अब इसके ऊपर ये फाइनल बॉल हम लोग फेंकेंगे अल्ट्रा स्पेयर, ये फाइनल पिछला हाइपर स्पेयर फेंका था, इसमें तो आ जाएगा। ऑल राइट गाइस यहाँ पे ब्लेज हॉल हमें मिल चुका है, बॉस ब्लेज हॉल 36 लेवल का, और यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन पार्ट 4 मिल गए हमें, 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन मिल गए हमें। ऑलराइट यहाँ से अब लीव करते हैं हम लोग। चलो भाई तगड़ा वाला भाई, वाटर टाइप पेल्स जो होते हैं ना तगड़ा वाला इफेक्टिव होते हैं भाई फायर टाइप पेल्स के अगेंस्ट। एक और यहाँ पे वाटर टाइप पेल है हमारे पास, ठीक है। टोको टोको भाई ये बम फट जाए, बम फटते हैं भाई लिटरली। निकलो यहाँ से, गुफा के बाहर आते ही टोको टोको मिल गए हमें। तो गाइस यहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं सुजाकू वाली एरिया को, ठीक है। और यहाँ पे हमें फाइट भी लेना है भाई उसके अंदर, डेजी है भाई, डेजी क्लाउड्स भी चाहिए हमें भाई। कभी डेजी का क्लाउड्स ढेर सारे हंट करने के लिए आएंगे, क्योंकि डेजी का जो क्लाउड है ना बहुत ही ज्यादा काम का होता है। हमें यहाँ पे कोई और यूनिक पोकेमोन नहीं दिख रहा है भाई, चेक पॉइंट ही मिल जाए यार, यूनिक पोकेमोन नहीं मिले तो क्या हुआ, चेक पॉइंट वगैरह मिल जाए ना तो वो भी बढ़िया है। के रॉबिन क्विल टेरा है यहाँ पे। ओके गाइस यहाँ पे हमें दूसरा कोई चेक पॉइंट क्यों नहीं मिल रहा भाई, और यहाँ पे 37 के नाइट विंग्स भी हैं। नाइट विंग्स ऑलरेडी है हम लोग के पास, तो नाइट विंग्स को तो नहीं पकड़ना है हम लोग। यहाँ पे और आगे बढ़ के देखते हैं, मगर यहाँ पे हमारे पास जो बॉल्स थे ना वो खत्म हो गए हैं गाइस, तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर ही कर पाएंगे। हमें एक दो और चेक पॉइंट मिल जाए ना तो मजा है। ओके गाइस यहाँ पे हमें बीकन्स दिखना शुरू हो गए हैं भाई। बीकन्स का मैंने सुना था यहाँ पे बीकन्स का एरिया है, तो गाइस यहाँ पे मुझे बीकन्स दिखने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ओके यहाँ पे 34 लेवल के ये भी हैं भाई, हैंजियूस नाम है इन सबका, और सर्फेंट टेरा भी है यहाँ पे। सर्फेंट टेरा कितने लेवल्स के हैं भाई ये? ओके यहाँ पे 38 लेवल के भाई डिक्टॉइस हैं भाई, ये भाई रॉक टाइप पैल्स है ना भाई, रॉक टाइप पैल्स
की हमें जरूरत है, मगर यहाँ पे हमारे पास बॉल्स नहीं है गाइस। यहाँ पे हमें कोई चेक पॉइंट मिल जाता ना तो यहाँ पे हम लोग इजीली आ जाते हैं और इन सभी को कैप्चर कर लेते हैं। भाई ये देखो भाई, लॉन्चर वगैरह लेके बैठे पड़े हैं भाई सिंडिकेट्स, और भाई इन सबकी गन्स भी इम्प्रूव हो गई है। भाई यहाँ पे कोई तो चेक पॉइंट मिल जाए यार हमें। रो भाई डिक्टॉइस है भाई 36-38 लेवल के ये सारे। भाई देख रहे हो भाई यहाँ पे सिंडिकेट्स, कितने सारे सिंडिकेट्स भी हैं। ओके चेक पॉइंट क्या दिख रहा है आपको भाई? कहीं पे चेक पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? रो एक भी चेक पॉइंट नहीं दिख रहा है यार। ये डेजर्ट एरिया इतना खतरनाक है भाई, चेक पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैं नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ शायद कोई चेक पॉइंट मिल जाए हमें। नो ब्रो नो, यहाँ पे कोई चेक पॉइंट नहीं है, उल्टा सिंडिकेट्स हैं भाई, लॉन्चर वगैरह लेके घूम रहे हैं। ओके यहाँ पे बीकन देख रहे हो भाई, 37 लेवल के बीकन है, अपने लेवल्स के बीकन है, और डिक टॉयस वगैरह है। तो गाइस यहाँ पे ना डिक टॉयस जो है ना रॉक टाइप पैल्स है, और रॉक टाइप पैल्स की मदद से हम लोग फायर टाइप पैल्स को हरा सकते हैं। ठीक है, फायर टाइप पैल्स की कमजोरी है, नहीं सॉरी फायर टाइप पैल्स की कमजोरी है वाटर टाइप पैल्स। वाटर टाइप पैल्स हमें ढेर सारे कैप्चर करने होंगे, ठीक है, और मेरे ख्याल से रॉक टाइप पैल्स भी शायद हरा सकते हैं भाई फायर टाइप पैल्स को। ठीक है चलो भाई यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। भाई ये कैसी एरिया है भाई, यहाँ पे इतने सारे पिलर्स क्यों हैं? ओके वहाँ पे एक रॉक है भाई सबसे ऊपर, उसको लेते हैं भाई, ह्यूज लग रहा है मेरे ख्याल से, उसको लेते हैं। आजा भाई। ओके एक ह्यूज रॉकी एग मिल गया हमें, बढ़िया वाला। के एक हाइपर स्पेयर मिला हमें यहाँ पे। भाई चेक पॉइंट कहाँ है भाई? ब्रो लिटरली में एक भी चेक पॉइंट नहीं दिख रहे हैं यार, और ये सिंडिकेट गनर्स वगैरह और उल्टा पीछे पड़े हुए हैं यार उस तरफ है भाई। और ये देख रहे हो मशीन गन चला रहे हैं लिटरली में, ब्रो मजाक है? इतने सारे क्यों यहाँ पर हैं भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ पे बर्फीला एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एरिया खत्म हो रहा है। यहाँ पे भी सिंडिकेट गनर है, ब्रो कितने सारे यहाँ पे हैं, इतने सारे क्यों हैं भाई यहाँ पे सिंडिकेट? यहाँ पे मुझे और भी बॉल्स लाने होंगे, तो यहाँ पे मुझे अब बॉल्स की प्रोडक्शन करवानी होगी भाई, बहुत सारे रिसोर्सेज अब इकट्ठा करने होंगे। बहुत एक्सप्लोर कर लिया मुझे, मैंने यहाँ पे डिक्टॉइस देख रहे हो 39 लेवल के डिक्टॉइस को पकड़ूंगा ना तो अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा भाई। यहाँ पे एक डार्क टाइप ये आएगा, इसको ले लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है भाई। ओके 34 लेवल के फुडलर है यहाँ पे, बीकन्स भी है, देख रहे हो भाई सिंडिकेट गनर्स हैं, क्रसर हैं, सिंडिकेट क्रसर हर जगह सिंडिकेट क्रसर्स। ब्रो ये इतने सारे क्यों हैं यहाँ पे? हाइपर मेगा स्पेयर एक मिल गया भाई। एक बीकन को पकड़ा जाए क्या भाई? एक बीकन को पकड़ा जाए। आओ चलो भाई इस वाले बीकन को पकड़ते हैं हम लोग। सर्फेंट कोई काम के नहीं है, बीकन को पकड़ते हैं। चलो भाई आ जाओ, लेट्स गेम बिगिन ब्रो। भाई साहब इलेक्ट्रिक अटैक दे रहे हैं भाई। इलेक्ट्रिक पेल्स की कमजोरी क्या होती है? कौन से पेल्स से सब ज्यादा डैमेज होते हैं? हालांकि ये किसी भी पेल से डैमेज हो जाते हैं मुझे तो लग रहा है। यहाँ पे निकालते हैं अपना मस्त वाला जॉर्मून टाइड, और भाई बीकन की हालत खराब करते हैं भाई। बीकन को कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा वो भी इलेक्ट्रिक अटैक कर रहे हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक अटैक कर रहे हैं, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। चल भाई जॉर्मून टाइड, उसकी हवा टाइट कर दे भाई जॉर्मून टाइड। भाई ये बीकन इधर उधर उड़ के भाई भाग जा रही है, चीटिंग कर रही है, चीटिंग। डायरेक्ट हाइपर स्पेयर फेंके दो ये, अब भाई एक वेस्ट कर दिया मैंने लिटरली में। ब्रो नहीं नहीं बस आ जा भाई बॉल में, एक ही बॉल है ब्रो, आ जाना प्लीज। प्राइस साहब नहीं आया। अब यहाँ पे मेरे पास मेगा स्पेयर है भाई, मेगा स्पेयर में तो ये आने वाला नहीं है, नहीं आएगा भाई, इसको खत्म करते हैं। चलो भाई जॉर्मून टाइड आ जा भाई बाहर, खत्म कर भाई उसको बीकन को। भाई जॉर्मून टाइड ना क्या कर रहा है भाई, लकड़ियाँ काट रहा है क्या तू? ले बेटे बैंगलोप तेरी हालत टाइट करेगी। ऑल राइट यहाँ पे बीकन को हमने मार दिया है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक, बस एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिला हमें। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ढेर सारे बॉल्स लेकर आएंगे ना, तब मस्त वाले 30 और 40 लेवल के जितने भी पैल्स हैं ना उनको पकड़ेंगे। फुडलर्स भी हैं यहाँ पे इतने पावरफुल, सर्फेंट्स वगैरह हैं इतने सारे, सर्फेंट टेरा, मगर यहाँ पे एक भी चेक पॉइंट नहीं मिला हमें। इतना बड़ा मैप है, एक भी चेक पॉइंट नहीं मिला भाई। क्या भाई बीकन 34 लेवल का बीकन है ये भाई? इतने सारे सिंडिकेट क्यों है भाई यहाँ पे पीछे पड़े हैं हर तरफ से? ओ भाई यहाँ पे पेल्डियस और नेक्रोमस है ब्रो। भाई पेल्डियस और नेक्रोमस है भाई यहाँ पे, लेजेंडरी पैल, असल के लेजेंडरी पैल। एक है डार्क टाइप और एक है भाई रॉक टाइप, 10,000 की HP है दोनों की भाई। ब्रो भाई मैंने पहली बार भाई जब से पैल वर्ल्ड खेला है ना पहली बार इन दोनों को देखा है, और भाई ये दोनों एक साथ में है भाई, ये 50 लेवल के हैं भाई दोनों के दोनों, और 10,000 HP है भाई। इन सबको हराने के लिए कौन से पैल्स ही होंगे, क्योंकि एक जो डार्क टाइप है ना भाई
डार्क टाइप पेल्स का तो मुझे कमजोरी अभी तक नहीं पता चला, बाकी रॉक टाइप पेल है ना तो भाई उसको भाई अपने ग्रास टाइप पेल से वो डैमेज होगा। देख रहे हो भाई कितने, भाई एक बार फाइट लेते हैं भाई, जॉर्मन टाइट को निकालते हैं। अगर हम लोग फाइट नहीं ले पाएंगे ना तो भाई यहाँ से निकल लेंगे, इसको बुलाते हैं भाई, रॉक टाइप वाले को बुलाते हैं। आ जा बेटे। के भाई जॉर्मन टाइट यहाँ पे इलेक्ट्रिक अटैक दे रहा है भाई, दोनों के दोनों यहाँ पे हम पीछे पड़ चुके हैं। यहाँ पे भाई फैंगलॉप को निकाल के रखते हैं और भाई वो जॉर्मन टाइट की लाइफ आधी कर दी है लिटरली में ब्रो। भाई जॉर्मन टाइट की लाइफ आधी कर दी है। भाई जॉर्मन टाइट तू आ जा भाई, एक बार में जॉर्मन टाइट की लाइफ आधी कर दी है उन लोगों ने भाई साहब। असल के भाई ये सब लेजेंडरी पैल्स है भाई ब्रो, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार देखने में। एक बार और चलते हैं आगे, कहाँ गए भाई ये रहे, ठीक रहे भाई, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखने में। इन सब के पास से होके निकल लूं क्या मैं, एक सेकंड रुको भाई, इन सब के पास से होके निकलता हूं। ये देखो भाई, देख रहे हो कितने भाई साहब घोड़े भी हैं हाथ में इन सब की, ये सब भी है, मतलब जो अटैक करने वाला सीन होता है ना वो है। ओ भाई 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 डार्क टाइप अटैक कर रहे है भाई अपना, भाई फैंगलॉप खत्म हो गया ब्रो, भाई फैंगलॉप को अपने भाई इन लोग एक बार में खत्म कर दिया। भाई साहब मैं बच गया क्योंकि मैं उस फैंगलॉप के ऊपर से उतर गया ब्रो। भाई अपना 37 लेवल का फैंगलॉप एक झटके में मर गया भाई साहब। भाई अपने दूसरे फैंगलॉप पे बैठते हैं। भाई ये कौन सी एरिया भाई, यहाँ पे मार्क, ओके यहाँ पे पेल्डियस। भाई पेल्डियस को हमने एक्सप्लोर कर लिया फाइनली। भाई यही लेजेंडरी पैल्स को मुझे पकड़ना था भाई, ये है ना लेजेंडरी पैल्स असल के ब्रो, इन सबको पकड़ना है भाई। अब तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई तगड़ी वाली, ढेर सारे पैल्स को पकड़ना होगा और अपने पैल्स की पॉइंट्स को इम्प्रूव करना होगा भाई, तभी हम लोग पकड़ पाएंगे। देख रहे हो गाइस ये रहा पेल्डियस, पेल्डियस को हमने एक्सप्लोर कर लिया फाइनली। अब यहाँ पे हम लोग ये पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओ भाई शाइनिंग सर्पेंट है भाई ये, 48 लेवल का सर्पेंट टेरा। मेरे ख्याल से भाई डार्क टाइप पेल्स की कमजोरी इलेक्ट्रिक टाइप पेल्स हो है क्या, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक टाइप पेल्स की कमजोरी डार्क टाइप पेल्स होंगे, मगर इलेक्ट्रिक टाइप पेल्स बहुत कम ही दिखते हैं, मतलब इतने नहीं दिखते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक टाइप पेल्स में ये हो गया अपना ग्रिजबोल्ट हो गया, बीकन हो गया, वो रहा गाइस चेक पॉइंट, एक और चेक पॉइंट वो रहा, फाइनली एक चेक पॉइंट मिला गाइस फाइनली, इसको ले लेते हैं चेक पॉइंट को। ऑलराइट एक चेक पॉइंट हमने ओपन कर लिया यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे एक अंडा है, इन्वेंटरी फुल है अपन की, एक दो चेक पॉइंट्स और मिल जाओ यार। चलो भाई ऑलराइट गाइस हम लोग यहाँ पे बॉस फाइट के पास आ चुके हैं, करीबन बॉस फाइट के पास पहुंच चुके हैं, मगर ना गाइस यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चेक पॉइंट मिला। ओके गाइस यहाँ पे भाई एक भाई इल्लीगल मर्चेंट वाला एरिया है, इल्लीगल मर्चेंट वाले में चलते हैं और देखते हैं भाई ये क्या सेल कर रहा है यहाँ पे। इल्लीगल मर्चेंट जो रहता है ना भाई, जो स्माइल करता रहता है ऐसे भाई, वो वाला गुफा में हम लोग चल रहे हैं और इसके अंदर देखते हैं भाई वो क्या सेल कर रहा है। ब्लैक मार्केटियर, हाँ ब्लैक मार्केटियर के पास आ चुके हैं हम लोग गाइस यहाँ पे, और देखते हैं भाई क्या सेल कर रहा है, कोई बढ़िया पैल्स रखे है इसने। ओके भाई गर्म लग रहा है, अपन को गर्म लग रहा है इसके अंदर, क्यों ऐसा क्यों ब्रो ऐसा क्यों। फैंगलॉप को निकालते हैं, फैंगलॉप अटैक मत कर ब्रो। भाई इसके पास इतना गर्म क्यों लग रहा है मुझे, एक काम करते हैं भाई फटाफट देखते हैं क्या है, क्या सीन है, कौन कौन से पैल्स है इसके पास। सेल नहीं कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ओके कोई भी खास पैल नहीं, निकलो भाई गर्म लग रहा है, बहुत तेज गर्म लग रहा है इसके पास, पता नहीं क्यों। ओके गाइस यहाँ पे रात हो चुकी है, अब ना भाई ठंड बढ़ेगी बहुत तेजी से, ठंड बढ़ने वाली है क्योंकि उल्टा हो जाता है भाई डेजर्ट एरिया में ना, रात होते ही ठंड बढ़ जाती है बहुत तेजी से। सो जाओ भाई रॉबिन क्विल टेरा, पीछे क्यों पड़े हो, एक्सप्लोर करने दो मुझे एरिया। ऑलराइट गाइस यहाँ पे रात हो गई है और ठंड लगनी शुरू हो चुकी है बहुत तगड़ी वाली, तो यहाँ पे ठंड वाला हमने कपड़ा ऑलरेडी पहना हुआ है भाई, तब से अपने ठंड वाला कपड़ा पहना था हमने। चलो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग अब निकलते हैं इस वाली एरिया से, क्योंकि हमने पूरा का पूरा सुजाकू का एरिया जो है ना एक्सप्लोर कर लिया, इधर का एरिया एक्सप्लोर नहीं किया बस, तो कैसे इसको बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे हम लोग, ठीक है कि एक्सप्लोर कर लिया जाए भाई। रो मगर यहाँ पे हमने वो नहीं लाया यार, भाई हमने वो नहीं लाया भाई, कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं है अपन के पास, तो भाई यहाँ पे हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई ट्राई करने के लिए ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता है। भाई रात हो गई है, कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं घर की तरफ क्योंकि रात हो चुकी है। ऑल राइट गाइस यहाँ पे सुबह हो चुकी है अपने बेस पे, हम लोग और अपने बेस पे आ चुके हैं, तो गाइस यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे रिफाइन इनगट बनवाते हैं और ढेर सारे हाइपर और अल्ट्रा स्पेयर को भी बनवा लेते हैं क्योंकि ना गाइस यहाँ पे हमें ढेर सारे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे जितने भी हमने पैल्स को पकड़ा है ना उन सारे पैल्स को हम लोग चेक करते हैं, और एक ह्यूज रॉकी एग मिला था इसको डाल देते हैं भाई हैच होने के लिए, और एक और एग हमने इलेक्ट्रिक वाला नहीं उठाया था छोड़ो जाने दो भाई। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हमने
हमने यहाँ पे ढेर सारे बॉसेस फाइट किए हैं। यहाँ पे हमने हराया भाई वैलेट को, और भाई यहाँ पे हमने हराया भाई एक फेल बैट को, और भाई यहाँ पे बीकन को, और भाई एक डम्मट को। भाई तीन यहाँ पे तीन या फिर चार बॉसेस को हमने हराया। अगले वाले मैच में ना गाइस हम लोग यहाँ पे आनुबिस सुजाकू को हराने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग जॉर्मनटाइड को दोबारा से पकड़ेंगे, क्योंकि ना गाइस जॉर्मनटाइड वाटर टाइप पैल है, और वाटर टाइप पैल्स की मदद से भाई रॉक फायर टाइप पैल्स को हम लोग इजीली हरा सकते हैं। तो ढेर सारे जॉर्मनटाइड हमें चाहिए सुजाकू को हराने के लिए, और उसकी मदद से ना गाइस हम लोग यहाँ पे पेल्डियस को भी हरा सकते हैं ढेर सारे वाटर टाइप पैल्स और ग्रास टाइप पैल्स की मदद से। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।